कहता है कि मैं मुक्त हूं क्योंकि मैं बंधन में ही नहीं था। सामने वाले को बताने के लिए उसको कहना पड़ता है मैं मुक्त हूं, तुम भी मुक्त हो जाओ, मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा है, सब आत्मा है, इसीलिए तुम प्योर हो, मरने से ऊपर हो, आत्मा मन ही मरने से ऊपर। इफ सपोज अर्जुन नहीं पूछता और कृष्ण का ज्ञान कृष्ण के पास था तो क्या कृष्ण मुक्त नहीं था? माना ये बोलना तो एक फुरना ही हुआ ना। जो कृष्ण का बोलना है, दादा भगवान का बोलना है, वो तो एक खेल है, ड्रामा है। सब जो भजन सुबह को चल रहा था या भी कृष्ण का अर्जुन को समझाना, वे पत्थर भी ब्रह्म, दुर्योधन भी ब्रह्म, शकुनी भी ब्रह्म, सब मैं हूँ, सब मैं हूँ, सब मैं हूँ। अच्छा, अब ये खाली एक भ्रम निकालना था अर्जुन का, जिसने गड़बड़ पैदा करके रखी थी, मुझे मुक्त होना है। आज आप इधर मुक्त होकर जस्ट आए हो, तो क्या एक्स्ट्रा हो गया? क्या एक्स्ट्रा हो गया सोचो ना, आप तो वही थे पहले, खाली एक ज़रा सा पर्दा आ गया था, मोतिया बिंद का पर्दा। अब आप जाकर ढूंढोगे तो यहाँ पर वो पर्दा दिखेगा ही नहीं जो निकल गया। अब आँख वैसी ही वैसी है और साफ और सफाई वाली, वो निकल गया पर्दा, डॉक्टर ने मेहनत की थोड़ा पर्दा निकाल, गुरु ने मेहनत की, पर उसके बाद अब जाग गए ये सारा। अगर देव राजा एक था जिसने रात को सपना देखा कि एक गीदड़ ने मुझे यहाँ पर काटा है, इतना बड़ा खाल कर दिया, घाव कर दिया, दर्द था, चिल्ला रहा है दर्द में, सपने में। डॉक्टर आया, पूरा वूंड हील किया, ये सब रात के सपने में हुआ। और अभी वो फीस निकालने जा रहा है कि आँख खुल गई, तो ये ऐसा ऐसा देख रहा है, इसको देख रहा है, उधर देख रहा है। अब काटना काटना, डॉक्टर का आना, वूंड को ठीक करना, ये सब क्या था, क्या हुआ कहा जाएगा? अब वो ढूंढ रहा है, घाव मिले ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं, गिदड़ है ही नहीं, काटना भी नहीं, जीव फुरनो ब्रह्म भी फुरनो, फुरनो ही सब संसार है। हमारे एक संकल्प के आधार पर ये सृष्टि मुझे भास रही है। गहरी नींद में सोते हो, सृष्टि कहाँ जाती है भी पर आपके लिए नहीं है। जागे, देखना शुरू किया, ये है, ये है, वो है, इसने मेरे साथ पहले ऐसे किया था, ये तो ऐसे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये वो करके सो गए, न ये न वो। एक रात की नींद ने दिखा दिया कि न ये है न वो है, मैं हूँ तो सब हैं, पक्का मैं हूँ, जागृत में तो सारी दुनिया है। फिर दोष भी लगा रहे हैं, चपेट में भी सबको ला रहे हैं, पास्ट भी लंबा मेरे पीछे मैं घसीट रहे हैं, अपना ही पास्ट मुर्दे की तरह मुझे घसीटना पड़ रहा है। कोई मेरे पर कृपा करे जो मेरे पास्ट का जो एक बोरी है निकाल कर ऐसा फेंक दे, श्वास मुक्ति की लोग। अब मुक्ति की श्वास ली, अब इस घड़ी मुक्ति मेरे लिए सच्ची है। कुछ काल के बाद आपको लगेगा, जिस दिन पूर्ण जागरण होगा,
कहाँ था फास्ट, जागरण हो जाए खाली, मेरा अनुभव मुझे सामने दिखा दे, न तू है न कोई और है, न पास्ट था न फ्यूचर है, मन नहीं ते मन मान्या, मन में एक फुरना आया, मैं बंधन में हूँ, मेरे पर सबका पावर है, प्रेशर है, दुखी हूँ, मेरे फर्ज है, मर्यादाएं हैं। ये अर्जुन का वही तो भ्रम निकाला भगवान ने, तू मैं और सब आत्मा है, आत्मा मन ही फुरने से रहित, आकाशवत उससे भी बियॉन्ड। अब आकाश कब बंधन में आया जो मुक्त होवे, तू आत्मा कब बंधन में आया जो अभी मुक्त होंगे। पहले मन पहले मानता है मैं बंधन में था, मैं मुक्त हुआ। ज्ञानियों का कहना है कि तू पहले ही मुक्त थे, बंधन मानकर बैठे थे। आओ तो अभी इस समझ में आ रही है बात। मैं एक लड़की, गुरु ने बोला नहीं तू आत्मा है, पर मैं पहले आत्मा, बाद में लड़की लड़के का बना कर बैठे, झूठ मूठ एक खोल डाल दिया लड़की और लड़के का। फर्क है बेसिकली मैं मुक्त रूप हूँ। अब मेरे मुक्त हो गए, खुल गया, तो तुमने बांधा क्यों था मुझे, पेड़ ने छोड़ा फुरना। अर्जुन का कोई आया न कोई गया, एक ख्याल निकाल दिया उसका, मैं मारता हूँ किसी को, अहिंसा परमो धर्म है। शुरुआत वहीं से हुई। अच्छा क्या हुआ, वही मारना हुआ, वही काटा कुटी हुई, हजारों को उसने मारा, भाइयों ने मारा, सबने मारा एक दूसरे को। जब भीम सबको ऐसा ऐसा जैसे कर रहा है तो 100 के 100 खत्म ढेरी हुए। भीम को ये अंदर में गिल्ट नहीं है, अर्जुन को गिल्ट आ रहा था, शुक्र बाद में निकल गया उसका गिल्ट। तो मारने के बाद भी उसको गिल्ट नहीं आया, जबकि पहले मारने के पहले गिल्ट आ रहा था। ये एक ख्याल ने उसको, ख्याल कही है ख्वारी, ख्याल जी रांद सारी, ख्यालन जी इंतजारी, ख्यालन के ख्यालन में गुम कर, बो कम न कर, बो कम न कर। ये ख्याल का ही खेल हुआ, खालिक खेल रचाया, ये खेल। झूठी गीता भगवान बोलते थे एक, तुम वो जो ताश खेलते हो पैसों की, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती है कि जितने जिसके थे एक दूसरे को देकर टाइम पास, ये परमात्मा का टाइम पास हुआ। कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, टाइम पास। कई बार तुम जोक करते हो, मजा करते हो, ऐसा क्यों, टाइम पास, ये सब टाइम पास के लिए किया। भगवान के मजाक में, भगवान के इस खेल में किसी की दिल को दुखोया नहीं गया, जबकि जीव एक दूसरे की दिलों को दुखोता है टाइम पास भी, इसीलिए बोला गया। अभी जब तुम एक इस बॉडी के घेरे में हो तो सावधान रहना, खाली जबान से भी वो बोलो जो सामने वाले को इनकरेजमेंट दे, वे गिरावे नहीं। सच्ची बात है तो सावधानी रहेगी, खुशी होगी, पर और अंदर जाकर देखो, या मन से, वचन से, बाहर के फिजिकल कर्मों से तुम उपराम होते जाते हो, कर्म का खाता बनना बंद हो जाता है। आप खुद फील करते हो जो पिछला था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। अब किसका वर्णन करूं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या क्या बताऊं, क्या क्या जो देखा, जीरो, आत्मा के उसमें सब डालकर दफन हो जाता है। हुआ होगा तो आपका यहाँ स्लेट साफ होगी बिल्कुल, पर नहीं हुआ होगा
तब तक आप बोलेंगे मुझे बात भी करनी है, खुलना भी है, साफ भी होना है, खाली भी होना है, गए भी मुझे चांस नहीं मिला मिलने का, बात करने का, अफसोस, पता नहीं वो कौन लोग थे जिनको सबको मिला, मैं ही एक वंचित रह गई। अब वो आप ढोते रहोगे घर तक जब तक कि दूसरी मुलाकात ना हो। कोशिश ये रहती है आप बिल्कुल खाली होकर रहो, खाली होकर बैठो, मौका मिला बात भी कर लोगे, पर यहाँ से खाली होकर जाओ, शांत होकर, क्योंकि इतना ज्ञान मिल रहा है। देर हो जाती है कई बार, पर किसी से मुलाकातें होती हैं, हम बोलते हैं वो बेटर है यहाँ से वहाँ पर, जहाँ अकेले में मुलाकातें किसी से होती है, खाली होकर जाते हैं, रिलीफ हमको मिलता है, मुझे एक शांति। अब है तो फुरना, मेरा न कुछ आया न गया, फिर भी जिनको शांति मिलती है देने वाले भी नहीं हैं कुछ, वो अपना ही लड्डू थाली में डालकर निकाल कर खा के खुश होके जाते, उनका ही लड्डू है उनको मिल रहा है, ब्यूटीफुल, ये भी अच्छा हो जाता है, खाली हो जाते हैं। ठीक है, अब जो कुछ मन ने जिंदगी भर सोचा क्या था, क्या है, कसम उठाते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर खाली हो जाते हैं, पर क्या बात हो जाती है, मन बोलता है मैं यहाँ से ऊपर नहीं हो पा रहा हूँ, गले तक सब हैं, यहाँ से ऊपर नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा जिस दिन हो गए, क्या था, बेकार की बात थी, जब तक नहीं हो पा रहे हैं बड़ी रुकावट है यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ तक सेकंड में उतर गई, कितनी जो भय का मेन बात थी कि हम बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर, जिस दिन बेख्याली में बोल, अच्छा बिना बोले रह रहे हो दुनिया में, तो जब तुम्हारा प्रेशर ऊपर से हट जाता है तुम तो बोलते रहते, ये प्रेशर मार रहा है ना सबको, किसी दिन बहादुर आ गए प्रेशर हट, क्या घटा क्या बढ़ा क्या हुआ, नथिंग, एक भ्रम था वो भूल हो गए, मैंने रोशनी की कमी थी। अब शब्द हैं कितने भी तरीकों से डाले जाएं बोले जाएं, घर से जिस दिन निकले थे सत्संग के लिए पहला दिन और आज तक क्या हुआ, सींग आ गए, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, क्या हुआ क्या हुआ, मिसकॉन्सेप्ट्स पण गुम होते गए, जो एक धारणाएं हमने बना के रखी थी, नई धारणाओं ने पुरानी धारणाओं को धो डाला, धुल जाए हमारी धारणाएं, जो हम एक इफेक्टों में जीते हैं, ख्यालों में जीते हैं, औरों के तौर तरीकों को अपने पर हमला करने देते हैं, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, इसका टोन ऐसा, उसने ऐसा किया, जिस दिन से आप अपने आप को प्योर साफ करना शुरू कर देते हो, आप अच्छे हो गए, दुनिया में बुरे लोगों की कमी हो जाएगी। पॉसिबल है, हुआ भी ऐसा है, कितनी धारणाएं हम करके यहाँ सत्संग में आए थे, उतने लोगों को हम दोष दे रहे थे वो वैसे, कभी अक्कल आई खाली, हिम्मत आई अपनी तरफ उंगली करने की, जो बहुत उंगलियां औरों की तरफ हमने घुमाई थी, गुरु ने प्रेम प्रेम में अपनी तरफ मोड़ दी उंगली। अब देखो परछाइयां गुम होती गई लोगों की, करने वालों की, सताने वालों की, दुखी करने वालों की, तो एक फुरना ही तो था बेकार का, कोई और मुझे तंग कर रहा है, कोई और मुझे सता रहा है, कोई दुखी कर रहा है, ये और का जो भाव मुझे दुखी कर रहा था, उस और को जब अंदर से डिसअपियर डिसॉल्व होता गया,
होता गया तो कितने लोगों की तादाद कम हो गई, ना आपने किसी को हटाया, ना गुम किया, ना पिस्टोल लगाई, पर कहाँ चले गए? पर आपका अंदर से साफ हो गया। आज कहीं किसी जगह बैठकर देखते हो, हुआ क्या? एक तभी बोला, भ्रम हुआ था, भ्रम भुलाना। रूप में भ्रम आकर पड़ा था, अर्जुन को एक भ्रम पड़ा था, तुमको दूसरा भ्रम, हमको तीसरा भ्रम था। तो भ्रम मेरे साथ जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ है, कुछ नहीं हुआ। भुलाना इजी नहीं है, अंदर की स्लेट साफ करना इजी नहीं है, लेकिन वो धोपे नावे के रंग। अब एक तरह से बच्चे खेलते हैं तो लाइनें लगाते हैं, अभी यहाँ आए हो, ये एक ड्रॉ की गई है, लगाया गया है, क्या फॉरएवर रहेगा? जैसे हम जाएंगे ये सब निकाल ले जाए, बाद में ढूंढोगे कहाँ था वो, कहाँ थी पट्टियाँ लगी हुई, क्योंकि ये ऊपर से आई, ऊपर से चली गई, ऊपर से बंधन आए, ऊपर से ख्याल आए, ऊपर से संकल्प विकल्प आए, ऊपर से अपने आप को मैंने बंधन में माना, बंधन जो मैंने मुझ में माना था। लाइन आती, बंधन जो मैंने मुझ में माना था उसी से ही निवारण हुआ। आया कुछ नहीं, गया कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। फिर से दादा भगवान की लाइन उस दिन चली थी कि जीने की इच्छा, क्योंकि भ्रमित हो तो और गिर रहे, बॉल गिरा है, अभी ऊपर से गिरता जा रहा है। किसी ने, गुरु ने कृपा करके उसको बॉल को बीच में पकड़ लिया, इतनी गिरावट होने से बचा लिया। ये अति कृपा है ब्रह्मज्ञानियों की, गुरुओं की, अवतारों की, जिन्होंने हमको ओरा में गिरने से, बहुत नरक की पीड़ा सहने से बचा लिया। पता नहीं क्या लिखा था, कहने में यही आता है, पता नहीं क्या लिखा था, बचा लिया। अब बच गए, अब निकल आए, अब उसको पर्दा लगा दो, पास्ट को लॉस्ट। मेरा पास्ट लॉस्ट हो चुका है, मैंने मुर्दे ढूंढने से इनकार कर दिया है। मैं अपने ही पास्ट के मुर्दे ढूंढ रहे थे, अब ढूंढने से कसम उठाते हो कि मैं अपना मुर्दा नहीं ढोएंगे। ढोना बंद कर दिया, जोर से एक चिल्लाहट से बोलो, मेरा पास्ट लॉस्ट हो गया। इतना अंदर से दर्द से बोलो, पक्का? न गंगा स्नान हो गया। अब किसी मोड़ पर देखोगे, क्या था पास्ट, क्या था फ्यूचर, क्या था ये, क्या था? मैं तो वैसे वैसे थे, एक झपकी आई थी, इतना सब हुआ था, झपकी खुली, नींद खुली। अगर देव कह रहे हैं उसको, अगर देव नाम था उसका, तो ढूंढ रहा है कहाँ क्या। आप अभी ढूंढते रह जाओगे अपने वूंड, जो दिलों पर घाव लगे हुए थे, समझ रहे थे, कुछ औरों ने दिया, ज्यादा हमने अपने को घाव दिए थे। बड़ा तो योग हमारा था अपने को दुखी करने, सच है? रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। आज खुद को एक मुक्त स्वरूप, आनंद स्वरूप फील कर सकते हो, इतनी खुली छूट है सबको। हाँ, किया है, किया है तो रिलीफ, वाटर रिलीफ, वाटर रिलीफ हो जाता है उन पर, किसी पर। ए बी सी डी है नहीं, तुमने खाली लिखा ए बी सी डी है नहीं। बच्चा है, मर्द है, बेटी है, बेटा है, भगवान ने सबको सेपरेट सेपरेट निराकार ने भेजा है। किसी से कनेक्टेड हो
कनेक्टेड होकर दो दो चार चार क्यों होकर रहते हो? क्यों सबसे जुड़ जुड़ कर? क्योंकि सोशल हो, मनुष्य सोशल है, पर इतना तो कनेक्टेड नहीं है ना कि बिल्कुल गोंद लगी हुई हो वे माइंड में। तुमको याद दिलाए तुम अकेले जा रहे हो तो हरेक अकेला है, झगड़ा खत्म। हाँ हाय अकेला छोड़ गए बालमा, दो बालमा वहां तड़पेगा, बालमी यहां तड़पेगी। कुछ हुआ ही नहीं, वो बालमा उधर रोता रहेगा मैं उसको छोड़ के आया हूं, मेरी वो रो रही है, तुम रो रहे हो, खींच रहे हो, इलास्टिक खींच खींच के धागा बना दिया, ख्यालों को खींच खींच कर, जैसा एक अब गुंजाइश ही नहीं रही खींचने की। हार पड़ो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। बहुत थककर आए हैं, माया ने थकाया, क्योंकि माया माना अपने गलत ख्यालों ने धारणाओं ने हमको थकाया, तभी बोला हार पड़ो स्वामी के द्वारे। अच्छा हुआ हम परमात्मा के द्वारे आके, दीजे बुद्ध विवेका, मुझे अपना विवेक और बुद्धि सच्ची दीजिए, जो मुझे अंदर का आराम चैन मिले। तब हमारे गुरु हमको देखते हैं, रग रग थका के आए हैं माया से, परेशानी की पोशाक डाल कर आए हैं, तब वो रिलीफ देते हैं। एक वो आगे जाकर आपको लगेगा उस घड़ी बहुत ज़रूरत होती है, आगे जाकर वही शब्द मीनिंग लेस हो जाते हैं, जाग गए, ये सब नींद के मामले थे, पर नींद भी लंबी हो गई थी। जन्म मरण, एक योग वशिष्ठ में, योग वशिष्ठ नहीं वो, हाँ योग वशिष्ठ, अष्टावकर नहीं, योग वशिष्ठ में एक लीलावती की कहानी आती है, लीलावती, उसने एक ही जन्म में 10 जन्मों को, शरीर इधर पड़ा है मर्द का उसका, उसको फिर दूसरा जन्म एक गीदड़ का या कुत्ते का मिला, फिर तीसरा चौथा पांच बॉडी उधर पड़ी। तो पूछ रही क्या है, बोला सब कुछ संभव है, क्योंकि जिस सृष्टि में तुम रहते हो वहां का और जो कल्पना वाली दुनिया है उसमें संभव सब हो सकता। तुमने जो जो सोचा चाहा वो झूठ मिल गई, ख़त्म हुआ, अभी तक बॉडी उसकी राजा की वहीं पड़ी है, रानी बैठी है उधर, और वो देख रही है कि ऐसा ये शरीर का है जो वो दूर अंतर्दृष्टि से देख रही है, अभी इसका ये जन्म ये जन्म ये जन्म वो बैठी है। लेकिन जैसे नारद ने या परदेसी अर्जुन ने, अर्जुन एक जगह डुबकी लगाई खाली, वहाँ परदेसी बन गया अंदर, शादी की, बच्चे पैदा हो गए एज रियल, जैसे भगवान किनारे पर खड़ा इंतजार कर रहा है। दूसरी जगह दिखाया, मैं भगवान दातुन कर रहे हैं, उसको एक वैजंती माला दी, बोला संभालना संभालना, बोला प्राणों से भी संभालूंगा। सामने देखा शेर आता हुआ, अपने को बचाने के लिए वैजंती उसके गले में डाल दी, खुद को बचा लिया। तो ये सब स्टोरियाँ बहुत आई थी, होती घटित तो ही एक क्षण के भी क्षण में, लेकिन यहाँ मनुष्य का एक पूरा जीवन बीत गया, जिसमें रोते हो चिल्लाते हो मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ होता है हुआ। भगवान के काल गणना में एक क्षण भी नहीं हुआ। आप कहते हो मेरे 80 साल 90 साल 100 साल हो गए, भगवान की जो गणना है उसमें कुछ नहीं हुआ है। आपकी जिंदगी में बहुत उथल पाथल हुई, छपा हुआ है दुख है, तो फुरना ही हुआ। आओ लौट के अपने स्वरूप में आकर देखो, कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है जब तक अपने उसमें नहीं जागोगे, नहीं कह सकोगे, शब्द हो जाएंगे झूठे, फिर जो बुद्धि तक
फिर कॉन्शियस सबकॉन्शियस का लड़ाई, क्योंकि सबकॉन्शियस में सब है, कॉन्शियस के पास खाली तर्क है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। जो यहाँ अंतःकरण का आभास है, सबकॉन्शियस मीन्स ही है अंतःकरण, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, बुद्धि जो इनर साइड वाली है। अब ये तर्क दे देकर मर गया है, तर्क पहुँचते नहीं है, हर गुरु का एक स्पर्श इधर लगता है, पता नहीं जन्मों की जो भी पीड़ा, जन्मों का भार उतर जाता है। हार पड़ो स्वामी के द्वारे, आगे जाकर आप फील करोगे कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब मेरी मान्यताएं थी, दोस्त दुश्मन फलाना, आज मैं उस दुश्मन से आज़ाद हुआ, आज मैं ऐसे हुए, सब ख्याल की खेल है। आप तो जो थे थे, यहीं कहीं बैठे रहे, अंदर से कुछ न कुछ धो दिया, नमक ज़्यादा निकल गया, हो गया ख़त्म हो गई बात। आज स्वीकार करते हो मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था, बीत गई सो बात गई, बीत गई सो बात गई। हाँ, सहज हो जाएगा अपने पास्ट से मुक्ति पाने की, और आगे जा कर के खुद अपने अनुभव से, जिस समय आप उन बातों में हो, बोल बोल कर पूरे हो जाएंगे, आप डिनाय नहीं कर पाओगे, ख़त्म नहीं कर पाओगे, पर ये रियलिटी है। थोड़ी देर के बाद आपको लगने लगेगा अरे कुछ नहीं था, क्योंकि आज़ादी यहाँ से फांसी निकलती गई और आप मुक्त स्वरूप होते गए, और अभी आप खुद कहना शुरू करोगे फुरना ही था, एक भ्रम हुआ था, भ्रम भुलाना, भ्रमों में हो बोल नहीं पाओगे, सामने बंधन है, सामने कोई चिल्लाने वाले बैठे हैं, झगड़ा करने वाले बैठे हैं, और आप उस घड़ी कितना भी अपने आप को समझा के पूरे हो जाओ, नहीं मानेगा अंदर वाला, पर क्योंकि तो एक जीव बनकर समझा रहा है अपने आप को, आत्मनिष्ठा, आत्म जागृति में देखोगे कि कुछ हुआ ही नहीं था जो अब समझाना पड़े। सच्चाई है, कितने मिसकॉन्सेप्ट्स हमारे धुल गए, खत्म हो गए जब से सत्संग में आए हैं। तो सच्चे नहीं थे तभी तो गुम हो गए, सच्चे होते तो नहीं हटते। हम तुम्हारे सामने नाम रूप, किन से दुख मिला, किन से सुख मिला, आप बोलते वो निकल जाए ना यहाँ से, उनकी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपके इनर वर्ल्ड में, वर्ल्ड में उनकी स्थिति जीरो के बराबर रहेगी। वो रहेंगे बाहर, मैंने बोला ये नहीं है, फिर भी दिख रहे हैं, तुमने इधर से मानना था ये हैं, ये सता रहे हैं, इन्हें ऐसा किया। आज अपने अंदर के संसार में से देखो, नदारद हो जाएं तो जैसे हैं नहीं। आप एक नींद करते हो, दुनिया तो उसी ढंग से चल रही है, शादियां भी जा रही हैं, धुल धमाके बैंड बाजे भी हो रहे हैं, लेकिन एक गहरी नींद ने सबको गुम कर डाला। और जब नींद नहीं आती है आपको, कभी दिन को बहुत नींद कर डाली, तो एक गेट का खड़का भी आपको, उसने आवाज़ की ना इसीलिए नींद नहीं आई। आपको गहरी नींद है तो खड़के क्या, डरा डर उधर ही कोई कर रहा है तो भी नींद सुनाई पड़ता है, कान भी खुले हुए थे लेकिन आपका वो सो गया था सुनने वाला। ऐसे कभी जिंदगी के अनुभव हुए हुए हैं, जब आप गहरी नींद में पड़े हो और बाहर खेल सब हो रहे हैं, वो आकर कहते हैं ऐसा हुआ, पता नहीं पता नहीं, आप थोड़े अनजान ऐसे ऐसे वायरों की तरह देखते हो, पता नहीं क्या पता नहीं, और अभी और कोई गहरी नींद में और आप जाग रहे हो, फिर ऐसा आया, फिर कोई गाड़ी आई, फिर आवाज़ हुई, फिर थोड़ी लड़ाई भी चली रोड पर, फिर कुत्तों ने भौंका, फिर ऐसा हुआ,
जाग रहे थे इसीलिए सभी सीन के साक्षी थे। अब सीन हो रही है, आपको गहरी नींद आ गई है, तो आपके लिए जैसा है वैसा नहीं है। सच है, ये ऐसी गहरी नींदर जागृत में जब आ जाती है, ये ज्ञान वो है जो जागृत में नींद गहरी आ जाए। जगत मैल ना आपके सामने सीन होती रहे, तो दादा भगवान ने बोला इफेक्टलेस। क्या इफेक्टों को गुम किया या तुम्हारे अंदर के ख्यालों को गुम किया? अब नाम रूप का तो गोर शोर, कोई तुम्हारे से ऊंचा हो जाएगा, कोई आगे बढ़ जाएगा, कोई इच्छा होगी, मरते रहोगे, डरते रहोगे, फेल पास होते रहो, तुमको नहीं चाहिए कुछ भी। अब दुनिया चल रही है अपने चाल, आप इफेक्टलेस हो गए। तो ज्ञान ने इफेक्टलेस भीतर किया, बाहर इफेक्ट गुम नहीं किए, बाहर तो खेल चलता ही रहेगा। आपके भी वजह मन अंदर में अज्ञान की वजह से जितना कुछ भासता था, आज भासना बंद हो गया। स्थिति अंदर से बड़ी भासना, जो भी बाहर हो रहा है, प्रैक्टिकल बातें लग रही हैं या काल्पनिक लग रही हैं, इतना पॉसिबल भाई हो नहीं सकता। इतना आपने किया है वो भी आप ही करोगे, एक पक्का विश्वास है। अब फिर से बोलो फुरना, जीव भी फुरनो, ब्रह्म भी फुरनो, मुक्ति भी फुरना, बंधन भी फुरना, जगत भी फुरना, जीव भी फुरना, सब फुरना। माना, मानो तो है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। गोपाल बोल रहा है अगर फुरना है हाँ तो फिर ये बातें क्यों आत्मा ही फुरना है वो फुरना। हाँ तो वो जो एक लकीरें पड़ गई हैं हटाने के लिए, गोपाल सुनना, जो हम मान कर आए, मान्यताएं बना कर आए हैं, उनको ही खाली अब लकीर डालिए तो रबड़ भी है, अदरवाइज लकीर मिट्टी तो रबड़ भी पता नहीं कहाँ चला, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। लकीरें डाल के आए थे, एक ख्याली इफेक्ट बना के आए थे। गुरु ने हमारे साथ ये भलाई की कि हमारे इफेक्टों को खाली करता गया, है ना। पहले आप, उसके भी पहले, इफेक्ट के भी पहले जो आप थे, रीबैक एज यू वर कर दिया खा। इफेक्ट के भी पहले तो आप साफ थे ना, जब कॉपी मेरे को मिली तो खाली मिली, अब मैंने एक लकीर खींच, बच्चे क्या करते यूं 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 यूं, आपको कॉपी फिर से खाली चाहिए तो रबड़ लेते हो, रिमूवर लेते हो, उसको हटाते हो, तो आप कहोगे फिर भी एक कोई ना कोई निशानी रह गई। लेकिन ऐसा रिमूवर ये ज्ञान का है जो सारे इफेक्ट मिटाकर आपको पहले से भी ज़्यादा फ्रेश कर देता है। तो ये सारा जो एक खेल हो रहा है, जुड़ना, आना, आनंद आया, क्यों आनंद का आपने इतना ढिंढोरा पीटा? क्योंकि पहले कभी आप आनंद में थे और वो क्रेविंग थी, मैं उसमें आ जाऊं फिर से, मेरा आनंद खो गया है किन्हीं परिस्थितियों में, किन बातों में, अब ढूंढने के लिए भी नहीं था, और जगहों पर सुख ढूंढ रहे थे, खुशी ढूंढ रहे थे। गुरु ने करवट बदला दी, मुंह फेर दिया, बोला तुम इसको ढूंढ रहे थे पापा, जो बिना आधार के तेरे को मिला हुआ था, इंद्रिय जनित सुख से भी बियॉन्ड तेरा खुद का आनंद। इंद्रियों की वजह से आंखों ने देखा सुख पाया, कान ने सुना सुख पाया, अब एक लाचारी हो गई कि आंख को वही वही दृश्य मिले, वो नहीं मिलेंगे, रोता रहेगा। कान को वही वही सुनने को मिले, नहीं मिलेगा, मन ये प्रकृति के अधीन है सुख,
इंद्रियों के अधीन है सुख, मन चाहता है मुझे एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। तो मिले माना क्या, गंवाई है कहीं, वो नित्य प्राप्त आत्म बोला, नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया, संशय मूल चुकाया, संशय मूल चुकाया, नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया, संसार मूल चुकाया। कहे हेमा नित आत्म प्राप्त आत्म प्रतीत आया, खाली ध्यान देना प्रतीत। धरती में पेट्रोल था, सोना था, चांदी थी, मुझे पता नहीं। अब सेटेलाइट ने ऊपर से मुझे दिखाया, सेटेलाइट ने, कि यहाँ सोना है यहाँ पेट्रोल है। अब डिगिंग हो गई शुरू, पाया पाया मिला, तो पहले ही था ना बाबा, खाली मुझे पता नहीं था, मेरे आत्मा का मुझे पता नहीं था। तो देह का एक बोझ ढोकर चल रहे थे। मजा ऐसा है, तू आत्मा पहले भी झूठ में एक देह बंध कर काल्पनिक अपने आप को माना, अगर सच्चाई जाहिर हो गई तो ये कल्पना लगना शुरू हो जाएगा, और सच में नहीं हो तो ये इसी को पूरा सच मानकर, इसके अपमान को, इसके बिछड़ने को, इसके रोने को, इसके बीमार होने को, जो भय, इनमें से जितने भय सबने लिखे, हो सकता है एक भी बात न हो जिंदगी में, हो सकता है एक भी बात न हो, पर बोझा तो वही ढो रहे हैं हम, अगर मगर ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए, मैं दरवाज़ा खोलूं बाहर चोर न खड़ा हो जाए, मैं ऊपर खड़े ऊपर से गिर न जाऊं, जिंदगी में नहीं होने वाला है। लेकिन हमने जो मान्यताएं मानी, अब उन मान्यताओं से रिलीफ मिलता है खाली, न तुम गिरे न उठे, पर जो गिराया गया ख्याल से उसमें से चढ़े, और उसकी खुशी आनंद शांति रिलीफ मिलता है। क्योंकि बाहर के बंधन तो 2% है जिनको हमने 100 मान के रखा, पर फांसी अंदर की थी, ख्यालों की। जिस दिन हट गए बोले हुआ क्या, हम दादा भगवान को कहते थे आपने इतनी भलाई की, वो ऐसे देखते रहते क्या भलाई की है, आज हमारे साथ वो घटित हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, आपने ऐसा किया आपने, मैं वायरों की तरह देखती हूँ सबको, देखती हुआ कुछ किया है क्या। ये तो आप अपने इस निराकार के खजानों से लेके जा रहे हो, ये परमात्मा के इस सत्संग के खजानों से आप अपना हिस्सा लेके जा रहे हो, कौन किसको दे सकता है। झूठ हो जाएगा जो बोला जाएगा, मैंने दिया तो इसको क्यों नहीं दिया, उसको क्यों नहीं दिया, मेरे हाथ में, माना नहीं अपने को ही मुक्ति देने की अक्ल नहीं थी। हाँ बराबर, हम बार बार बोलते हैं गुरु से मुक्ति मिली, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने, ये कृतज्ञता के दोष से मुझे बचना है। आप अपने कृतज्ञता के दोष से बच जाते हो, पर देने और लेने की बात है ही नहीं, ये परमात्मा, क्योंकि पता भी नहीं है कि आपके पास क्या भ्रम थे और निवारण हुए। राम रतन पड़ा था बीच बाजार में, जिसने उठाया उसका बेड़ा पार हुआ, दूसरा आता नहीं था ना कुछ करना। हाँ वो एक तरह से खुटेले खुटेले को दे भी नहीं सकते, ये अनोखा प्यार गुरु से बह रहा है, कोई जरिया दिख रहा है, अदरवाइज वो महान, जैसे अवतारों की ये एक मिली हुई भेंट है जो निस्सृत हो रही है, इसको कहते हैं निस्सृत होना, बहती जाती है बहती जाती है। क्योंकि अंदर ये सच है कि अभी अशब्द आ जाते हैं, स्वार्थ नहीं है, इच्छा नहीं है, और एक करुणा अंदर है कि जो आते हैं, जो मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, वो एक अलहदे लोक में वास करने वाले थे,
हैं बन जाए खाली, बाकी कुछ दिया न लिया भाई लो, लेने की बात ही नहीं है बाबा। और लेने भी क्या लेंगे आप, जब दिया ही नहीं गया तो लिया क्या। केवल एक अंदर के कृतघ्नता के उस दोष से हम बचते हैं। अब दादा भगवान के सामने, गीता भगवान के सामने हम कह रहे हैं आपने दिया बोलते, तुमने लिया, ये एक प्रॉब्लम अंदर हम लोगों के भी रह गया कि किसी दिन वो स्वीकार तो करते कि आपने दिया, हाँ हाँ मैंने दिया, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तो मंझा तो जैरो, वही हो रहा है। रहीम कहता है मैं दे रहा हूँ लेकिन मेरी आंखें, हाथ ऊंचा है लेकिन आंखें नीची हैं, कहीं मुझे ये पाप ना आ जाए कि मैं देने वाला हूँ। मेरा हाथ ऊंचा है लेकिन आंखें नीची हैं, मैं ए बी सी डी भी नहीं देखूंगा। क्यों? जीव भाव में ये डर रहता है उसको, लेकिन आत्मनिष्ठी तो जानता है कि कुछ दिया नहीं लिया नहीं, एक खेल हुआ। अब आप भले अपने सपने में जितना बोलो भले बोलो, क्योंकि रिलीफ चांद पाना है, यह आपका सपना आप बोल रहे हो, बोलो, क्योंकि बोलने के सिवाय रह ही नहीं। आधे घंटे बाद तो आपको मौन धारण करना है टिल नाइट। साधन था अज्ञान से छूटने का, ख्यालों से खाली होने का, देह अध्यास से। अब आ गए, अब मछली पानी से निकलती नहीं, यो हा हू करे, गीदड़ हा हू करता है आकर के, उसको ये भान ही नहीं है कि पानी के बाहर भी दुनिया होती है। निकलेगी तो मरी हुई, तो उसको तब भी पता नहीं है। पानी के अंदर की दुनिया में तो वो नित तृप्त है। अब आप अपने आत्मा के उस भाव में, आत्मा के समुद्र में आ गए, नित मुक्त, नित मुक्त। पर क्योंकि थोड़ा ख्याल बिछड़ा बिखरा, तो अपने आप को बंधन में मान के बैठे हो। अब प्रोसेस ऐसी हो जाती है, गधे को बांधा, दो को बांधा, दो गधों को तो उसने बाकायदा बांधा, रस्सी कम थी, बेचारा 100 गधों में से 98 को कैसे बांधे। संत ने बोला गधे ही तो हैं तो भाग नहीं जाएंगे, बोला तुम उसको ख्याली रस्सी से बांधो। कैसे? तो ऐसा एक्शन करके दिखाया। अब गधे मजा लेगी हिले, सारी रात वहीं पड़े रहे। सुबह उसने दो को खोला, भूल गया, अब 98 हिले ही नहीं। ये स्टोरी सुन चुके हो कई कई बार। अब ये बंधन फुरना ही तो था उनका, और मुक्ति, मुक्ति भी फुरना हुई ना, क्योंकि बंधन सच्चा नहीं था तो मुक्ति कौन सी सच्ची रह जाएगी। हाँ, खाली हाथ घुमाया, तो ऐसे हाथ घूमते रहते हैं सत्संग के, हमारे साथ भी वो भलाई होती है। जो हम मान के आए थे, मान्यताओं को तोड़ा जाता है, गिरती जाती मान। एक ने एक मान्यताएं रखी थी, दूसरे ने दूसरी, हरेक की कंडीशन, सिचुएशन, सोच, उनको वहाँ वहाँ से निराकार पहुँच कर काम कर रहा है, बाकी कुछ हुआ ही नहीं है। पर आज की अवस्था में अब बोलोगे बाबा ये तो भयान की बात, उड़ रही हैं सिर से, पर ये सब फ्यूचर के लिए एक धन पटकट्ठा हो रहा है, प्रॉपर्टी जो मददगार बनेगी आज़ादी की। उस मरे हुए पर अभी केस चलेगा कोर्ट से, वो सब बंदियां ही जला की खत्म कर दे। तो जब तक आप अपने आप को मान कर बैठे थे, फर्ज थे, धर्म थे, मर्यादाएं थी, लोगों के शब्द थे, बात लगती थी, अब नहीं लगती है। लोगों ने तो बोलना बंद नहीं किया, तुमको लगना बंद हो गया, बस इफेक्टलेस तुम होते गए। वो अंदर की पोजीशन को समझते समझते हो जाते हैं। मान कर बैठा है तो उसको अंदर से एम भी आप ही आती है, मैं मुक्त हो जाऊँ। इस किससे मुक्त होना है भला बोलो। पहले तो
आप क्लियर करो मैं मुक्त किससे होना चाहते हैं। जीव भाव से। हाँ, जीव भाव से कि मैं हूँ। मेरे को दिखाओ अपना जीव भाव, दिखाओ तो हम मुक्त करेंगे अभी का भी। दिखाओ। तो दिखाने की तो चीज नहीं है ना वो, भाई मानी हुई है ना, मानी हुई। एक पागलपन अंदर में चढ़ा दिया गया है। किसी दिन ये भी नहीं था, छोटेपन में पता जीव भाव दे अध्यास ये सब बातें हमने थोपी थोपी। ये भी सत्संग से ही, सत्संग ने मुसीबत जानबूझकर डाली। डाली इसीलिए कि कुछ आप करोगे तो लगेगा मैंने किया, वरना है कुछ नहीं, सब फेक है, फेक। ये सब फेक है। उस क्षण में कुछ अलग फीलिंग आते है क्या, जब मन अमन हो जाता है समझो? आप कितने तक ऐसा क्या क्या फील कर रहे हो तभी, नहीं तो शब्द हो जाएंगे। हाँ, नहीं क्या है, कोई बोलता है कि उस समय रोशनी हो जाती है, 1000 वाट की रोशनी आ जाती है। में नहीं रहना। हाँ, कोई बोलता कि शब्दों के जाल से पहले तो मुक्त करो। हाँ, वो ही पूछना चाहता है कि उस समय ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, उन सब के नहीं सुनना है। हाँ, अर्जुन। हाँ, जाने हुए सुने हुए पढ़े हुए को फेंक के आओ। उस दिन उसमें था दयानंद सरस्वती को, उसका गुरु था कुछ नाम ब्रजानंद क्या था पता, बोला इतने पोथले फेंक किया यमुना नदी में, उसको फेंकवाए। बोले बोझा ढो रहा है तू, तो लोगों के जो सुने हुए शब्द भी बोझा बन गए हैं। आप जो फील करते वो आपका अज्ञान है, वो आप नहीं फील करते वो आपका ज्ञान है। तो जब बात करते थे तो बोलते थे कि इसने जो ये बोला ये भी तो सच है, उसने बोलते थे जो तुमको शब्द अपने स्वरूप से अलग करे या कमजोर करे फेंको, उसको निकाल कर फेंक दो। हिम्मत तब भी आएगी अंदर से मुक्त होने की। फेंक दिया भगवान जी, एकदम फेंक दिया। अभी कल आज स्विमिंग में गए थे ना, कल गया था जो भी। हाँ, शायद कल भी जाओ तो वहां लेट गो करके आना। थैंक यू। जितने जाने हुए, जितने सुने हुए, जितने माने हुए सबको है तुमने, और इस बात से तुम करते भी क्यों हो, मेरी इस छरा मेरी इस अदा पर, ओ हंसने वाले शरारत नहीं है तो फिर और क्या है, मेरी इस अदा पर ओ हंसने वाले शरारत नहीं है तो फिर और क्या है, ख्यालों में तुम हो निगाहों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, निगाहों में तुम हो। बोलो ना, ये माना कि तुम मोहब्बत नहीं है, ये माना कि मेरी जरूरत नहीं है, ये माना कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये माना कि मेरी जरूरत नहीं है, मगर नीची नजरों से दिल मांग लेना, जरूरत नहीं है तो फिर और क्या है, मगर नीची नजरों से दिल मांग लेना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है,
निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे आंसुओं की तरफ तुम न देखो, तुम अपनी कयामत की नजरों को रोको। मेरे आंसुओं की तरफ तुम न देखो, तुम अपनी कयामत की नजरों को रोको। निगाहें मिला कर नजर फेर लेना, कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहें मिला कर नजर फेर लेना, कयामत नहीं ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो। हाँ, किसी दिन तो ये गीत रुलाते थे, आज रुलाते नहीं है तो बातें मिट गई ना। आज कोई और चक्की पर चढ़ा है।